कुछ कंपनीज ऐसी हैं कि उनकी जो लीडरशिप है वो बिल्कुल एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी एस्टैब्लिश करती है किसी भी फॉर्म ऑफ अनफेयरनेस को. मुझे ये पता था कि सिगरेट के एड्स में जो है ना वो ब्लरिंग होती थी, वो जो जब स्मोक कर रहे होते थे. मुझे ये था कि ये है बड़ी जबरदस्त चीज लेकिन ये छुपा रहे हैं हमसे. आई थिंक टाटा के एड्स बहुत इस काम में बहुत अच्छे थे. रिलायंस के एड्स, आइडिया, अगर आप इन तीनों को देखें तो इनमें, इन तीनों एडवर्टाइजमेंट्स में कोई ऐसी सोशल डिजीज नहीं थी जो उन्होंने टैकल नहीं किया. आपने हमेशा एक औरत चाय लेके आ रही होती. मैं खैर अभी चाय पी रही हूँ सुबह का वक्त है और इसके ऊपर लिखा भी अभी वाइफ ही है तो थोड़ा सा ट्रेडिशनल बात है लेकिन अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात में बिलाल नकी की जानिब से आप सबको खुश आमदेद। हमारा आज का मौजू है इश्तहारात के समाजी ज़िंदगी पर असरात और उनके मस्बत और मनफी पहलू, और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मोहतरमा आयशा सरवरी साहिबा। आप कम्युनिकेशन एक्सपर्ट के तौर पर सिविल सोसाइटी इदारों के साथ साथ मुतअद्दिद निजी इदारों में अपनी खिदमात अंजाम दे चुकी हैं। आजकल आप कोका कोला पाकिस्तान के साथ डायरेक्टर कम्युनिकेशन की हैसियत से वाबस्ता हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक बिलाल साहब. आपसे बल्कि दोबारा ऑनलाइन बहुत खुशी हुई. आपके साथ हम कॉलीग्स भी रह चुके हैं लॉ एंड जस्टिस वाले प्रोजेक्ट के ऊपर, सो इट्स एन ऑनर टू बी हियर. जी नहीं, आपका आना हमारे लिए बड़ी ऑनर है, और जाहिर है कि आप बहुत इंस्पिरेशन देती हैं ख्वातीन को ख़ास तौर पर, और ह्यूमन राइट्स की भी आप बहुत बड़ी एक्टिविस्ट हैं, एक्टिव हैं, और हमें इसकी बड़ी कोशिश खुशी है इस बात की। करती हूँ. जी पहले तो ये बताइए कि क्या असरात मुरतब हुए हैं आपकी ज़िंदगी पे, ये जो कोरोना की वबा 1 साल से ज़्यादा हो गया जिसके हम सब शिकार हैं। आई थिंक डिप्रेशन एक जो बिल्कुल वाजे चीज है कि बस एक खौफ का मंसर है हर जगह आपके, स्पेशली आपके दोस्तों के पेरेंट्स के ऊपर जो इम्पैक्ट है. हर तरफ से एक सॉर्ट ऑफ एक सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, लैक ऑफ कंट्रोल जिसे कहते हैं, कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है. आपने जैसे दुनिया सोची थी वो बिल्कुल वो दुनिया नहीं है, बिल्कुल बदल चुकी है. और जिस चीज का आपको खौफ था वो अब सच हो गया है कि हर चीज आपके हाथों से जा सकती है हर वक्त हर सेकंड. हमें हो भी चुका है हमारी फैमिली को कोविड, तो उस वो टाइम खास तौर पे ज्यादा मुश्किल था. और जहां तक इम्पैक्ट मेरी जिंदगी पे वो ये है कि बस दिन और रात का पता नहीं चलता. जिंदगी का जो पैटर्न है जिसको हम सर्कैडियन रिदम कहते हैं कि सूरज अब आए सूरज चला गया, वो बिल्कुल सेंस नहीं बनती जिंदगी की. आप कैसे मैनेज कर पाती हैं कि कभी आप कमर्शियल इदारों के साथ काम कर रही होती हैं, कभी आप गैर मुनाफा बख्श इदारों के साथ वाबस्ता होती हैं जिनका नुक्ता नज़र जो है वो इंसानी तरक्की होता है, जबकि दूसरी जानब जो है वो कमर्शियल कंपनियां जो हैं वो मुनाफा के लिए काम करती हैं। तो इन दो मुख्तलिफ मिजाज के इदारों में आप खुद को कैसे एडजस्ट करती हैं? बहुत अच्छा सवाल है बिलाल साहब, क्योंकि हमने जब काम किया था इकट्ठे तो हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट एनजीओ के साथ काम किया था जो लॉ एंड जस्टिस को लेके आ रही थी एट मतलब लोकल लेवल, स्टेक होल्डर लेवल. और अब मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूँ जो मेरा ख्याल दुनिया की शायद सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होती है. प्राइवेट सेक्टर है, कैपिटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जहां तक मेरे जमीर की बात है मुझे कभी कभी लगता है कि शायद प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करके आपका इम्पैक्ट ज्यादा होता है ऑन ग्राउंड. इसलिए क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस बजाहिर तो आपको वो नहीं लगता कि वो इंसानी हकूक के लिए काम कर रही हैं या वो इकोनॉमिक अपलिफ्ट के लिए काम कर रही हैं. उनको ऐसा लगता है कि वो चीज़ें बेच रहे हैं और वही चीज़ें उनसे मुनाफा कमा रहे हैं और इट्स एज सिंपल एज दैट. लेकिन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज का स्केल इतना लार्ज होता है, उनकी एम्प्लॉयमेंट स्केल इतनी लार्ज होती है, उनके पॉलिसीज का स्केल इतना लार्ज होता है, उनका बिहेवियर चेंज का कैपेसिटी इतनी ज्यादा बड़ी होती है कि वो छोटी एनजीओज, मेरा ख्याल है कोई 200 से जायद होंगी, तो शायद वो
50 सालों में वो इम्पैक्ट ले सकेंगी जो एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी एक छोटी सी पॉलिसी चेंज के साथ ला सकती है। तो जहाँ तक स्केल और इम्पैक्ट की बात है तो प्राइवेट सेक्टर में वो है, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है ऑन ग्राउंड चीज़ें चेंज करने का। और दूसरा ये है कि ये ज़िंदगी की रियलिटी है, तजारत तो मतलब है हमेशा से सदियों से पाई जाती है दुनिया में, और ट्रेड तो एक ऐसी चीज़ है जो ज़रूरी भी है हमारे लिए। तो जहाँ तक ये अगेन फूड से लेके फार्मिंग प्रैक्टिसेस से लेके ह्यूमन राइट्स जो आपके एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज से लेके जो फिर आप कंज्यूमर बिहेवियर चेंज को इम्पैक्ट कर सकते हैं, उस लिहाज से भी मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ कंपनीज हैं बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर रही हैं और उन्होंने कुछ चीज़ें चेंज भी की हैं। तो कुछ काफ़ी केस स्टडीज है जो हमें इंटरनेशनली नज़र आती हैं, एक कंपनी है उसने बेच तो वो कुछ और रहे हैं लेकिन उनकी एडवर्टाइजमेंट पॉलिसीज में या उनकी एडवर्टाइजमेंट्स में यू नो बेशुमार मिलियंस ऑफ लोगों को वो मैसेज जा रहा है जो कि सोसाइटी के लिए जरूरी है। अच्छा ये बताइए कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के और कॉर्पोरेट वैल्यूज के, ये कितना एम्फसाइज करते हैं समाजी पहलुओं पर? बहुत ज्यादा बिलाल साहब, मुझे तो लगता है कि हम बड़े हुए हैं एडवर्टाइजमेंट्स देख के और एडवर्टाइजमेंट्स के साथ हमारी जिंदगियां मिलाने की कोशिश करते थे कि वो कूल लोग हैं जो ये करते हैं। बल्कि मेरी पैदाइश क्योंकि ईस्ट अफ्रीका में हुई थी तो मुझे ये पता था कि सिगरेट के एड्स में जो है ना वो ब्लरिंग होती थी, वो जो जब स्मोक कर रहे होते थे, मुझे ये था कि ये है बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लेकिन ये छुपा रहे हैं हमसे। सो अगेन यू नो जो आप टी वी पर देखते हैं एज एडवर्टाइजिंग वो बेसिकली सबलिमिनली भी जिसको कहते हैं कि वेयर अवेयरनेस के लेवल पे भी आपको इम्पैक्ट करती और आपको वैसे भी इम्पैक्ट करती है। और एडवर्टाइजमेंट बेसिकली डिफाइन करते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, बल्कि वो हमारी मोरालिटी को आई वुड से डिफाइन करते हैं क्योंकि जो जो एडवर्टाइजमेंट पसंद किया जाता है वो आपके फिर जिसको हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ा था सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी, कि एक तो रियलिटी होती है और एक सोशल कॉन्सेप्ट होता है कि ये रियलिटी है, उन दोनों में बहुत फर्क होता है। तो एडवर्टाइजमेंट तो सोशल कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं, एजेंडा सेट करते हैं उसका, तो लॉट ऑफ पावर आई थिंक दैट्स द मेन थिंग। अच्छा ये जो इश्तहारात हैं इनको भी किसी इंटरनल प्रोसेस के जरिए रेगुलेट किया जाता है कि वो अलाइन हो जाएं कॉर्पोरेट वैल्यूज के साथ, या जो ऑर्गेनाइजेशन जिन वैल्यूज को ओन करती है और प्रमोट करना चाहती है वो उसी फ्रेमवर्क में रहें? आपका जो पहला सवाल था ना इससे पहले वाला वो भी बहुत अहम था, इन द सेंस कि सीएसआर और मार्केटिंग का क्या लिंक है। और सीएसआर का जो एस्पेक्ट है वो ज्यादातर मेरा एरिया ऑफ वर्क होता है जहाँ पे हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेजेस को अभी हम सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन के नाम से कहलाते हैं। सीएसआर अभी एक बहुत धक्यानुसी कॉन्सेप्ट हो गया कि वो यू नो कि आपने पैसे बना दिया, आप उस पैसों के ना एक छोटा सा हिस्सा जाके गरीबों को दे दें, दैट वाज बेसिकली सीएसआर का कॉन्सेप्ट, वो टाइम के साथ साथ इवॉल्व हो गया। अब सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल इनोवेशन वो चीज़ हो गई है जहाँ पे आप कहते हैं कि आपने वापस नहीं देना, आपने जो सोसाइटी से लिया है उसके वो लेते वक्त भी आपने सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनानी है और देते वक्त भी आपने सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनानी है। अगर आप पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने ज़्यादा प्योर पानी वापस देना है, अगर आप सॉइल यूज कर रहे हैं कुछ ग्रो करने के लिए तो आपने वो सॉइल की मेंटेन करनी है यू नो मिकदार और उसकी, तो हर जो सोशल गुड है चाहे वो लोग हैं चाहे वो एनवायरनमेंट या क्लाइमेट है उसको आपने तबाह नहीं करना, उसको आपने इस्तेमाल ऐसे करना है कि वो सदियों तक आगे जनरेशन तक इस्तेमाल हो। अच्छा वो इतना कोई रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट अब चेंज हो गया है ना कि जहाँ पे आप गरीबों को कुछ पैसे देते थे और उसके साथ कुछ फोटो अपॉर्चुनिटीज कर सकते थे, अब वो हम ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज नाम भी नहीं लगाती देते वक्त कि उनको ये लगता है कि ये तौहीन है उस सिस्टम की जो कि उन लोगों से ही बेनिफिट कर रहा है जिनको उन्होंने नीचे डिज़ाइन में ही रखा हुआ है। तो जहाँ तक जिसको कहते हैं पब्लिक अफेयर्स का डिपार्टमेंट या सस्टेनेबिलिटी इनोवेशन का डिपार्टमेंट, और फिर है आपका जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है जिनके पास क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, वो बस होते ही बहुत मुख्तलिफ लोग हैं और बहुत खूबसूरत लोग होते हैं, उनका उनका काम ये होता है कि वो कोई अच्छा आइडिया सोच के उसको कोई अच्छी सी कहानी देख के अपना प्रोडक्ट के साथ साथ उसको बता दें, यानी कि हैप्पीनेस दिखाएं और हैप्पीनेस के साथ अपना प्रोडक्ट दिखा दें तो फिर वो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। हमारा काम ये होता है कि हम उसको एक तौर पे जैसे गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव पावर्स का चेक एंड बैलेंसेस होता है उसी तरह एक बड़े इदारे के अंदर
चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं. हमारा काम ये होता है कि हम उसकी मैसेजिंग देख लें, उसको देख लें किसी किसी तरह से ये हमारी सोसाइटी में जो मसले हैं उसको क्या इम्प्रूव कर रहा है या उसके उसको किसी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहा है. आपने देखा होगा कि हमेशा हम फैमिली का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर के अंदर, कि यू नो यूनिटी फैमिली टुगेदरनेस. मैं अगर हमारी अभी इस कंपनी की एग्जांपल दूं तो रमज़ान की कैंपेन्स जो हैं, हमने कहा कि हमारे प्रोडक्ट के साथ आप एक मील आप जब खरीदते हैं तो वैसे आप एक मील चला जाता है उन लोगों को जिनको ज़रूरत है कोविड के दौरान. और हमें पता है कि 35 मिलियन फैमिलीज इम्पैक्ट हुई हैं, इंडिविजुअल्स इम्पैक्ट हुए हैं कोविड में. तो इस तरह की चीज़ें जिसमें हम भूख भी उजागर भूख के इश्यूज भी उजागर कर रहे हैं और साथ साथ प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं. तो आई थिंक ये चीज़ें अगेन वो एक फॉर एक एनजीओ के करने के लिए बहुत सारे साल लग जाते हैं और एक मार्केटिंग कंपनी के बजट क्योंकि इतने एक्सपेंसिव होते हैं उसमें फॉरन नेशन वाइड इम्पैक्ट आप देख लेते हैं. क्या हम ये समझ सकते हैं कि हर कॉर्पोरेट कंपनी जो है वो किसी न किसी समाजी हवाले से अपनी जिम्मेदारियां अदा करती है और वो जो पैगाम रसानी होती है उनमें इसका अहतमाम करती है कि वो मैसेज इफेक्टिवली कम्युनिकेट हो? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अब तक के निदारों के साथ? कभी कभी मुझे ये लगता है बिलाल साहब के एनजीओस वो पहलू जो हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं जिसको फॉर एग्जांपल लेबर के इश्यूज होते हैं. तो कभी कभी मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर उन चीज़ों को ठीक करती है. तो बड़ा पैराडॉक्सिकल है. मैंने जब एनजीओज में काम किया मैंने कोई 3 पाकिस्तान की और दुनिया की बड़ी एनजीओज में काम किया और इनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरह ही पावरफुल होते हैं उनके साथ भी काम किया जिसमें आपकी डेली फी मतलब है ठीक ठाक होती है. उसकी उसके जो मॉडल होता है ना जिसको हम आपने जैसे मी टू मूवमेंट को देखा है कि वो उसने एक अवेयरनेस क्रिएट किया एक उन खवातीन के लिए जिनके पास पहले पावर नहीं थी. इसी तरह एड टू मूवमेंट स्टार्ट हुई थी इंटरनेट पे. एड टू मूवमेंट में जो बाहर की कंपनीज आके आपके लोकल एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट करते थे, उनकी लेबर प्रैक्टिसेस को एक्सप्लॉइट करते थे, उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस को रिस्पेक्ट नहीं करते थे, तो उस लिहाज से एड टू मूवमेंट स्टार्ट हुई. इसमें बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल इदारे टारगेट हुए थे. उसमें कुछ पब्लिक इंफॉर्मेशन है ये तो नाम लेने से मैं गुरेज नहीं करूँगी. इसमें ऑक्सफैम थे, इसमें यूनाइटेड नेशंस थे और उसमें ये बताया जा रहा था कि ये जहाँ काम करते हैं लोकली काम तो कुछ बहुत अच्छे होते हैं लेकिन साथ साथ कुछ एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिस होती हैं इनकी जो कि दे गेट अवे विद इट. उनको एक तरह से इम्यूनिटी मिली भी होती है क्योंकि वे कहते हैं कि हम अच्छा काम भी कर रहे हैं साथ. सो उधर ना देखो जहाँ पे हम बुरा काम कर रहे हैं. At the same time, I must say कि कुछ behavior change और कुछ aspects पे NGOs और international organizations वो काम करती हैं जो locally और government के priorities नहीं होती. वहाँ पर मैं कहूँगी again paradox है कि वो ही change लेके आती हैं आपके मुल्कों में. जैसे for example हमने जो polio का खात्मा किया है वो इन्हीं organizations के बहुत अच्छे practices के through किया है. हमने ईस्ट अफ्रीका फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर मलेरिया का खात्मा जो किया जो कि बहुत लोगों की जाने लेता था मच मच मोर देन एनी अदर कम्युनिकेबल डिजीजेस वहाँ पे उनकी इंटरवेंशन की वजह से ये चीज़ें हुई हैं. और जहाँ तक ये रिसर्च करते हैं इनकी रिसर्च से तो कोई बेहतर रिसर्च नहीं है. तो सेम आई वुड से अप्लाइज टू द प्राइवेट सेक्टर कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं कि उनकी जो लीडरशिप है वो बिल्कुल एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इस्टेब्लिश करती है किसी भी फॉर्म ऑफ अनफेयरनेस को. और अनफेयरनेस हम छोटी चीज़ों में भी कह सकते हैं. इसमें नेपोटिज्म होती है कि आप अपने क्रोनी को या अपने दोस्त को जगह दें ऑर्गेनाइजेशन में बजाय दूसरों लोगों को देने की. तो मैं ये नहीं कहूँगी कि करप्शन ये एक तरीका है करने की लेकिन इंटेलेक्चुअल करप्शन और इंटेलेक्चुअल जो है जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल करप्शन वो मेरा ख्याल है उसकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगर किसी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में हो तो उसका तो फिर एक मुल्क के ऊपर बहुत इम्पैक्ट होगा. जैसे पिछली कंपनी जो मेरी थी जैज वो जो टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज लेके आई है इस मुल्क में यू नो आई थिंक हर स्टूडेंट ने बेनिफिट किया है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड जहाँ पे एजुकेशन का कोई तरीका नहीं था मैसेज तक पहुँचाने का लेकिन इंटरनेट के अलावा. तो अगेन आई वुड से स्केल बहुत लार्ज है और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में भी वही चैलेंजेस आपको मिलते हैं जो जो आपको एक सॉर्ट ऑफ लाइक
एनजीओ सेक्टर या डेवलपमेंट सेक्टर में मिलते हैं। आप कोई एग्जांपल्स हमारे साथ शेयर करेंगी कि जहाँ पे आपने देखा हो कि पाकिस्तान में या रीजन में इश्तिहारात के जरिए समाजी तरक्की का काम किया गया और उसके बहुत नुमाया असरात नजर आए हों? मैं इंडिया के एग्जांपल दूंगी इसलिए क्योंकि उनकी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री मेरे ख्याल से हमारे खित्ते में सबसे अच्छी है। वो कोई भी एडवर्टाइजिंग करते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो उनके फोकस ग्रुप्स बहुत अच्छे होते हैं कि उनको पता है कि कौन सी बात कहाँ जाके हिट करेगी और सोसाइटी के एनवलप को पुश करेगी और आपके जो जो इम्प्रैक्टिकल ट्रेडिशन हैं उसको उसको तोड़ेगी, लेकिन एट द सेम टाइम जो आपके प्रैक्टिकल ट्रेडिशन हैं उसको उसको मेनटेन करेगी। आई थिंक टाटा के एड्स बहुत इस काम में बहुत अच्छे थे, रिलायंस के एड्स, आइडिया, अगर आप इन तीनों को देखें तो इनमें इन तीनों एडवर्टाइजमेंट्स में कोई ऐसी सोशल डिजीज नहीं थी जो उन्होंने टैकल नहीं किया अपने छोटे से एडवर्टाइजमेंट से। कोई ऐसा छोटा मैसेज वो दे देते थे जो जहन में जाके, जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में स्टिकी होता है, वो चिपक जाता था जाके, और एट द सेम टाइम वो बिहेवियर चेंज भी क्रिएट करता था। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बहुत मॉनिटर करती हैं, किसी भी लेवल पे उसको हाईलाइट करती हैं। तो ये जो इश्तिहारात होते हैं, क्या आप ये समझती हैं कि ये सिंफी रवैयों को बनाने में या बेहतर करने में या उनमें कोई मनफी रुझानात को लाने के बायस बनते हैं? 100% बिलाव साहब, आपको पता है मैं तो क्रिंज करती हूँ जब भी मैं एड्स देख रही होती हूँ। हमेशा एक औरत चाय लेके आ रही होती है, मैं खैर अभी चाय पी रही हूँ सुबह का वक्त है और इसके ऊपर लिखा हुआ भी वाइफी है तो थोड़ा सा ट्रेडिशनल बात है, लेकिन आप जब एडवर्टाइजमेंट्स में इररिस्पॉन्सिबल चीजें करें तो मैं उसकी माफी नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे ट्रेडिशनल रोल्स हैं वो कुछ लोगों के ऊपर या कुछ सोसाइटी के लोगों के ऊपर इतना दबाव डाल देते हैं कि बजाय इसके कि हम उसको रिकग्नाइज करें और आइडेंटिफाई करें कि एक घर के अंदर जो जो जिसको हम इमोशनल लोड कहते हैं या लेबर का लोड कहते हैं, किसी ने ये चाय बनाई है ना, टाइम लगा है, या किसी ने घर की डस्टिंग की है उसका भी टाइम लगा है, चीज़ें घर के अंदर एक ऑर्डर की फैशन में हो रही हैं, घर पर टाइम पे खाने मिल रहे हैं, लोग ऑफिस जा रहे हैं टाइम पे, लोग बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं टाइम पे, हर चीज़ एक सिस्टम के थ्रू चल रही है, उस सिस्टम के पीछे जो है ना एक इनविजिबल किस्म की खवातीन की फौज होती है और वो फौज जो है ना उसको कोई रिकग्निशन नहीं मिलती। और रिकग्निशन में मतलब ये नहीं है कि आप दो तालियां बजा लें उनके लिए कि ठीक है आपने खाने बना लिए बड़ी मेहरबानी है, इसमें रिकग्निशन इस बात की है कि बहुत सदियों से औरतों के ऊपर अनड्यू बोझ पड़ा है और उनको वो रिसोर्सेज नहीं मिली हैं जिसकी वजह से वो बोझ उठा सकें, तो वो दब रही हैं। अब जब एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई प्राइवेट सेक्टर इदारा एक औरत को चाय बनाते हुए दिखाते हैं और दिखाती है कि वो बहुत अच्छी चाय बना रही है और सास उनकी तारीफ कर रही है, तो ये वो जेंडर रोल रीइंफोर्स करती है कि आपकी जगह वही है, किचन में जगह है आपकी, आपकी इंटेलेक्चुअल केपेबिलिटीज उधर फोकस करें जहाँ पे आप बिलोंग करते हैं, जहाँ जो कि बच्चे की चाय बनाना। मैं चाय बनाना को बहुत मेटाफोरिकली यूज कर रही हूँ, मैं उसको एक एक सोसाइटल कॉन्सेप्ट की तरह से यूज कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे सोसाइटी में बिलास आप देखेंगे कि अब तो टू इनकम हाउस होल्ड्स आर अ नेसेसिटी, मतलब अगर जब तक दो इनकम नहीं होगी घर में चूल्हा नहीं जलेगा, जो कि पाकिस्तान की आपकी पॉवर्टी रैंकिंग्स देखें तो यही रियालिटी आती है। अच्छा, अब ये इकोनॉमिक चेंज तो होगी लेकिन ये सोशल और कल्चरल चेंज नहीं हुआ, तो यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक औरत घर आए काम के बाद या काम करने के बाद या वो जो भी घर पे भी काम कर रही हो तो उसके बाद भी, और वो जो तकरीबन 5 जनरेशन पहले एक्सपेक्टेशन थी वो वही अब मेंटेन हो, यानी कि वो ये वाला लोड भी ले ले जो कि मॉडर्न लाइफ एक्सपेक्ट करती है और वो पुराना वाला लोड को छोड़े ना। तो मतलब है अगर मैं ये ग्लास कोई 20 साल से पकड़ लूँ तो दर्द होगी, है तो ग्लास है तो मग राइट, लेकिन उसका जो ड्यूरेशन है उसकी आई थिंक साइकोलॉजिकली सोशली एंड इकोनॉमिकली जो फैमिली का स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हो रहा है वो इसीलिए रहा है क्योंकि हमने औरतों को साइलेंस कर दिया है, और ये बहुत बड़ी बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक मैं कहूँगी स्टुपिडिटी है जो हम ये कर रहे हैं, क्योंकि इसका ब्रेकिंग पॉइंट जब आएगा तो ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर आप एडवर्टाइजमेंट पैसे हैं और आप उसी उसी ख्याल को
फरोग दे रहे हैं बजाय रियलाइज करने के सिचुएशन शिफ्ट हो गई है, तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम. जस्ट वन थिंग आई वांटेड टू प्रेज, कुछ रीसेंट एडवर्टीजमेंट्स मैंने देखी थी रमजान के प्रोग्रामिंग में जो ये चैलेंज करती हैं. जैसे कोविड के दौरान एक बंदा आया, उसने देखा कि उसकी बीवी काफी देर तक काम कर रही है, तो उसने भी हाथ बटा दिया. बड़ी मेहरबानी, आपने अपने हाथ बता दिया, लेकिन आपकी फिल्मिंग हो रही थी उस वक्त. जब कैमराज ऑफ होते हैं तब आप हाथ हाथ बटाते हैं, नहीं, दैट इज व्हाट मैटर. अच्छा, एक आइडियल हाउसवाइफ का भी इमेज इन इश्तहारात में नज़र आता है कि वो सुबह से लेकर शाम तक बहुत एक्टिवली सब काम कर रही होती है, घर को भी देख रही होती है, अपने शोहर को भी टाइम दे रही होती है और अपने सास ससुर की भी खिदमत कर रही होती है और बच्चों को स्कूल ला और ले जा रही होती है। और ये सब कुछ मुमकिन होता है जब उसको रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन मिल जाती है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये बर्डन जो है ख्वातीन पे शिफ्ट होता है इस तरह के इश्तिहारात का, या ये एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं सोसाइटी की उनकी तरफ। आप जो बात कर रहे थे मुझे याद आ रहा था कि अगेन मैं स्लेवरी का एग्जांपल दूंगी क्योंकि कलोनियलिज्म मेरी शायद खून में भरा हुआ है क्योंकि ईस्ट अफ्रीका की पैदाइश है. और मैंने देखा है कि जब एक ताकतवर ग्रुप एक नॉन ताकतवर ग्रुप के ऊपर सब्जुगेशन क्रिएट करता है तो वो क्या बिहेवियर होती है. तो ये वो बात है कि आप किसी स्लेव को, और हमारे सोसाइटी में हमारे जो घर के अंदर जो लोग काम करते हैं उनको स्लेव्स के तौर पे ही ट्रीट करते हैं, उनको बुलाते भी नौकर हैं, कभी कभी उनके नाम से भी नहीं बुलाते उन्हें. और उनके ऊपर हम कहते हैं कि एक तो पहले हम तुम्हें ठंडा पानी दे रहे हैं, ऊपर से तुम जो है ना जो है आहिस्ता काम कर रहे हो, तो ये नहीं देखेंगे कि वो बंदा बीमार है या उसने सिक डे लेना है. और हम उसको जो है ना उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे कि हमने तुम्हें एक छोटी सी जो है ना चीज़ दे दी, एक पर्क दे दी, एक जॉब जॉब की पर्क दे दी है और आप उसके ऊपर नखरे कर रहे हैं. तो औरतों के लिहाज से भी अगर आप उनको एक वॉशिंग मशीन आके उनको दे दें तो इट्स लाइक थ्रोइंग मनी एट अ प्रॉब्लम. और पैसे किसी कल्चरल इशू के ऊपर फेंकने से वो कल्चरल इशू चला नहीं जाता. औरतें फिर भी काफ़ी इकोनॉमिकली और सोशली डिप्राइव्ड हैं. और मैं बात करूँगी स्टेटस की, अगर एक औरत को वॉशिंग मशीन चाहिए तो आप ये भी पूछें ना कि उसको चाहिए या नहीं चाहिए, या उसको शायद कोई और किसी और चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, शायद इज्जत की ज़्यादा ज़रूरत है या उसकी डिसीजन मेकिंग पावर की ज़्यादा ज़रूरत है, या उसे ये चाहिए होगा कि वो मुझे पैसे दे दें, मैं उसको ज़्यादा बचा के उसको यूज़ कर लूँगी. तो एक घरेलू औरत जो है, मेरा ख्याल है कि द फैक्ट कि उसकी सर्विसेज को हम इकोनॉमिकली रिकग्नाइज नहीं करते, ये सबसे बड़ा मसला है. क्योंकि अगर हम एक औरत को इकोनॉमिकली उसकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं सुबह से उठ के शाम तक और रातों को भी जागना और सारा कुछ, उसके ऊपर अगर हम डॉलर वैल्यू बुला लें बिलाल साहब, तो मेरा ख्याल है कि ये मुल्क उनको शायद डेट ना दे सके, IMF के डेट लेवल के से ज़्यादा उनको रीपे करता रहे, क्योंकि बहुत जाती है, बहुत जाती है उनके साथ. और ये जो हम मीम्स देखते हैं, कुछ मर्द यू नो आईवी लीग से पढ़ के अपने फेसबुक पे लगा रहे होते हैं कि मेरी माँ इतनी ज़बरदस्त है, उन्होंने सारी ज़िंदगी कुर्बानी दी, कुछ नहीं किया खुद के लिए, हम लोगों के लिए कुर्बानी दे दी. आप उसे ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हैं इस बात को? अगर कोई पिसा है तो आप अपनी लैंग्वेज के चुनाव से ही करें ना, आप उसको ये ना कहें कि बहुत ज़बरदस्त बात है कि एक औरत ने अपनी पूरी ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर ली फैमिली के लिए, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये किसी के ख्वाब टूटे हैं और आप उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं. जैसे हम कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का फ्रेमवर्क है या जेंडर लेंस के जरिए अगर हम इन इश्तहारात की मॉनिटरिंग करें, तो क्या पाकिस्तान में ऐसे इदारे मौजूद हैं जो ये काम कर रहे हैं या रीजन में कोई ऐसी प्रैक्टिस हो रही है? बिलाल साहब, काम तो बहुत अच्छा हो रहा है और सब जगह पे हो रहा है. कुछ ऐसे इदारे हैं जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं. मेरे हिसाब से वो अभी तक इसलिए रिजल्ट्स नहीं लेके आ पाए हैं बिकॉज वो एक सॉर्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल लेवल पे काम करते हैं. अगर आपकी एलीट NGOs हैं तो वो एक एलीट सेक्टर के ऊपर टारगेट कर रही हैं, अगर आपके प्राइवेट सेक्टर्स हैं तो वो एक सर्टन सेक्टर पर टारगेट कर रहे हैं. मूवमेंट वो होती है बिलाल साहब जो क्रॉस सेक्शनल हो, वर्टिकल हो, जिसके अंदर सारे आपके जो स्ट्रैटर्स हैं, जो आपके डोमेस्टिक हेल्थ वर्कर्स हैं, जो आपके औरतें हैं जो यू नो बोर्ड्स के ऊपर हैं प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में, वो औरतें जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, और वो औरतें जो बिल्कुल यू नो इन सारी चीज़ों से इतनी इंडिपेंडेंट है कि उनके ख्याल, उनकी ओपिनियन मेकिंग इतनी पावरफुल है कि उनका स्टेटस मैटर नहीं करता, ये सारी औरतें
हमारी हैं, हमारे मुल्क की हैं, इन सबको हमने साथ लेके चलना है। तो वो आइडियाज जो कुछ को अपील करते हैं और बाकियों को अपील नहीं करते, मेरा ख्याल है कि इसीलिए कुछ हमारी जो मीटू मूवमेंट भी है मुल्क में वो इतनी कामयाब अनफॉर्चुनेटली इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि हमने शायद उसको उन चीज़ों पे फोकस किया है जो हमारी ज़्यादातर वर्किंग वुमेन की पॉपुलेशन डिफाइन नहीं करती, उनके साथ रिलेट नहीं कर पाती। अगेन इसमें लैंग्वेज की बात है, इट्स सो अनफॉर्चुनेट मैं सही उर्दू भी नहीं बोल पा रही, क्योंकि अगर हम अच्छे कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ अंग्रेजी में आइडेंटिफाई करेंगे तो वो जो हमारी मेजोरिटी तबका है जो वो लैंग्वेज बैरियर डिफाइन करती है, उन तक वो ना वो बातें पहुंचेंगी ना उनको लगेगा कि ये मेरे काम की बात है। तो ये हमारे ही आइडियाज हैं और उनको सैनिटाइज किया गया है इंग्लिश में और बताया गया है कि अब ये आप ऐसे करेंगे, औरतों की बायन के बगैर। तो कहने का मकसद ये है कि हर चीज़ में डेमोक्रेटिक प्रोसेस बड़ा ज़रूरी है और आई थिंक बहुत ऑर्गेनाइजेशंस अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन आई थिंक चैलेंज ये है कि जब तक गवर्नमेंट लेवल पे वो पॉलिसीज अपनाई नहीं जाएंगी और वो मैसेजिंग ठीक नहीं होगी और वो लैंग्वेज ठीक नहीं होगी, जैसे अगर हमारे ही लीडर्स ये कहें कि मैंने अपनी बेटियों को कहा कि उनको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, या एक अच्छी माँ वो होती है जो घर पे बैठ के बच्चे रेस करे, जो कि बिल्कुल अच्छी बात है, ये बिल्कुल अच्छी बातें हैं कि बच्चों के ऊपर 100% तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन फिर साथ साथ आप ये भी करें ना, आप पॉलिसीज ऐसे बनाएं कि औरतों को काम ना करना पड़े, और आप ऐसी पॉलिसीज बनाएं जहाँ पे डे केयर्स की डिजाइनिंग ऐसी हो कि माएँ को फुल एक्सेस हो वर्क प्लेस पे उनकी। तो उन पॉलिसीज के बजाय फोकस करने के आप सिर्फ पद पे जारी करें, इस तरह का। आयशा, मौजू के हवाले से तो हमारी गुफ्तगू मुकम्मल हुई। दो सवाल मैं अपने मेहमानों से पूछता हूँ और आपसे भी पूछूंगा। पहले तो आप ये बताएं कि कौन सी किताब आजकल जेरे मुताला है, और आप हमारे नाज़रीन को कौन सी किताब तजवीज़ करेंगी कि वो उसका मुताला ज़रूर करें। जी बिल्कुल, साथ पढ़ी हुई अगर आप इजाजत दें तो मिले। ये बुक है लेटर्स टू अ यंग पोएट, और ये मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि एक बार ये छोटी बहुत है, कोविड ने और स्ट्रेस ने मेरा बिल्कुल रीडिंग कैपेसिटी बिल्कुल बंद कर दी है। तो छोटी सी बुक है और ये वो लेटर्स हैं जो रिल्के ने लिखे थे एक पोएट को जो बनना चाह रहा था, एस्पायरिंग पोएट था, और बहुत इसके अंदर जबरदस्त फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस है। जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है इसके अंदर, दो बातें बहुत खूबसूरत हैं। एक तो ये उन्होंने कहा कि हर चीज़ को टाइम लगता है, कि कोई फ्रूट होता है वो उसको फौरन वो राइप नहीं होता, उसको पेशेंस चाहिए होते हैं उसको राइप करने के लिए। इसी तरह आइडियाज़ को भी टाइम लगता है एक्सेप्ट होने में, तो बड़ी पेशेंस की बात उन्होंने बहुत अच्छी की। और इसके अंदर दूसरी एक बहुत प्यारी बात है कि हम ज़्यादातर सवालों का जवाब मांगते हैं, लेकिन इस बुक में हमें सिखाया जाता है कि आप सवाल के अंदर ज़िंदगी जिए बजाय जवाबों के अंदर ज़िंदगी जिए। आपने ट्रैवल किया है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी, तो कौन सी जगह आपको बहुत पसंद आई और आपका दिल करता है कि आप बार बार ट्रैवल करें, और अगर मौका मिले तो आप वहाँ पे सुकूनत भी अख्तियार करें? मैंने क्योंकि अमेरिका में पढ़ाई की थी तो मुझे लगता था कि सूरज वहीं से चढ़ता है और मुझे उसकी पावर की बहुत ज्यादा एहसास होता है। जैसे वाशिंगटन डीसी में आप चलें तो आपको पता चलता है कि एक पावरफुल शहर है, लेकिन जब मैं लैटिन अमेरिका गई और जब मैं ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना गई तो वहां पे मुझे एहसास हुआ कि बहुत सारे सूरज हैं दुनिया में। और एक ब्यूनस आयर्स की जो सिटी की सबसे खूबसूरत बात थी वो ये कि लोग वहाँ पे खुश बहुत थे, तो कुछ हमारे मिजाज के लोग मुझे मिले वहाँ पे। फुटबॉल का इनका क्रेज है जैसे हमारे क्रिकेट का क्रेज है, बहुत शोर मचा के बातें करते हैं, ऐसे लगता है कि आपको डांट रहे हैं, बहुत बहुत इम्फेटिक लोग हैं, हर जगह पे म्यूजिक है, डांस है, टैंगो है, और कुत्ते बिल्लियाँ बिल्कुल साथ इंसानों के प्यार से और खुशी से रहते हैं। तो हमारे स्ट्रीट्स पे आप जाएं तो सबका आपको ना एक सेंस ऑफ सैडनेस नजर आती है क्योंकि हमने वो इश्यूज रिजॉल्व नहीं किए हुए जो उन्होंने किए हुए, और जाहिर उनके भी मसले हमारे मसले हैं, लेकिन जो सड़कों पे आपको लोग नजर आते हैं वो कुछ ना कुछ गुनगुना रहे होते हैं, तो मुझे वो बहुत प्यारी जगह लगती है। आयशा, मैं अपने नाज़रीन की जानिब से आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू बिलाल साहब, इट्स सच एन ऑनर। और आपने देखिए सुबह जो है चाय से पहले मुझसे इतनी बातें करवा ली, ओनली फॉर यू। थैंक यू सो मच बिलाल साहब, थैंक रियली यू। अप्रिशिएट।